हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ कैन द हेयरपिन लूप फॉर्मेशन रेगुलेट द ट्रिप्टोफान सिंथेसिस। ओके, व्हेन द ट्रिप्टोफान लेवल इज़ वेरी लो एंड व्हेन ट्रिप्टोफान लेवल इज़ वेरी हाई, विच टाइप ऑफ हेयरपिन लूप फॉर्मेशन अकर एंड हाउ कैन द रेगुलेट द ट्रिप्टोफान सिंथेसिस, नाउ वी आर वॉचिंग इन दिस वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट द फर्स्ट, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। व्हेन द ट्रिप्टोफान लेवल इज लो, जब ट्रिप्टोफान का लेवल जब कम होगा तब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज बिगिंस टू ट्रांसक्राइब द डीएनए प्रोड्यूसिंग रीजियन वन ऑफ द 5' UTR। ओके, 5' UTR को ये ट्रांसक्राइब करने की शुरुआत करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज, जब ट्रिप्टोफान का लेवल सेल के अंदर कम होता है तब। ओके, यहाँ पर जो दिखाया है वो है ट्रिप्टोफान कोडोन्स। ओके, देन आफ्टर वन ये है आरएनए पॉलीमरेज, दिस वन। ओके, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है। ओके, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बी के अंदर क्या हो रहा है, राइबोसोम विच इज अटैच इज द 5' एंड ऑफ द 5' UTR एंड द ट्रांसलेट द रीजियन वाइल द रीजियन टू बिंग इज ट्रांसक्राइब। ओके, यानी कि क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज तो आगे बढ़ ही रहा है, उसकी तो जो प्रोग्रेशन है वो तो अभी रुक नहीं रही है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज तो आगे बढ़ेगा और सेकंड रीजन को अभी वो ट्रांसक्राइब कर रहा था, उससे पहले ही जो फर्स्ट रीजन जिसने ट्रांसक्राइब किया था आरएनए पॉलीमरेज से, वहाँ पर राइबोसोम आकर क्या करेगा, जुड़ जाएगा और देन आफ्टर वन आर राइबोसोम मेकिंग लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, ऑफ दैट प्रोटीन चेन। ओके, वो प्रोटीन बनाना यानी कि ट्रांसलेशन भी वो शुरू कर देता है। ओके, उसके साथ साथ सेकंड रीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक साथ में हो रहे हैं। ओके, सेकंड रीजन का ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट रीजन का ट्रांसलेशन। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है कि राइबोसोम्स विच आर स्टॉल्स एट द ट्रिप्टोफान कोडोन्स इन द रीजियन बिकॉज द ट्रिप्टोफान इज़ वेरी लो। ओके, तो क्या होगा कि जो रीजियन वन है उसमें हमने बताया था कि यहाँ पर आप देख सकें कि कोडोन्स है, दो ट्रिप्टोफान कोडोन्स है, साइमल्टेनियसली दोनों साथ में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रिप्टोफान ऑलवेज जब कब ऑफ ऑन होगा, तो जब सेल के अंदर ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस कम होगी तब। ओके, तो ट्रिप्टोफान यहाँ पर कम है तो ऑब्वियसली दूसरा ट्रांसफर आरएनए आए और उसको लेकर ट्रिप्टोफान के आगे रखे, तो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉल रहना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर उसे स्टॉप पोजिंग करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट रीजन के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आरएनए राइबोसोम जो है वो पोज हो रहा है फर्स्ट रीजन के अंदर। ओके, तो क्या होगा, द रीजन टू इज नॉट कवर्ड बाय द राइबोसोम व्हेन रीजन थ्री इज ट्रांसक्राइब। ओके, जब रीजन थ्री जो है, आप देख सकते हैं कि जब वो ट्रांसक्राइब हो रहा था तो रीजन टू जो है वो कवर्ड नहीं है राइबोसोम से। ओके, वो अभी फ्री एरिया है। ओके, सेकंड रीजन क्या है, फ्री है। थर्ड रीजन को क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। ओके, वो ट्रांसक्राइब कर रहा है यानी कि वो मैसेंजर आरएनए बना रहा है थ्री रीजन की हेल्प से। फर्स्ट रीजन में राइबोसोम पोज किया है उसने। ओके, अभी तक उसे ट्रिप्टोफान नहीं मिला है और जो सेकंड रीजन है वो फ्री है, अब वो थर्ड के साथ पैर बना सकता है। तो यू कैन सी दैट थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, द थर्ड इज़ ट्रांसक्राइब, इट पेयर्स विथ रीजियन टू। आप देख सकते हो कि थर्ड जो है वो ट्रांसक्राइब हो गया, अब वो क्या करेगा, सेकंड रीजन के साथ वो क्या कर रहा देगा, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री चेन से एक हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, एंड व्हेन द रीजन इज ट्रांसक्राइब कैन नॉट पेयर विथ द रीजियन थ्री। ओके, जस्ट सेकंड ये पढ़ना है हमें। ओके,
When the region 3 is transcribed, it pairs with region 2, and when the region 4 is transcribed, ओके रीजियन 4 जब तक ट्रांसक्राइब हो उससे पहले ही क्या हो जाता है, रीजियन 2 और रीजियन 3 दोनों यूपीन फॉर्मेशन कर लेते हैं. ओके सो क्या होगा, अब 4 जो पार्ट है, 4 रीजियन वाला पार्ट, वो 3 के साथ हेयरपिन लूप फॉर्मेशन नहीं बना पाएगा. ओके बिकॉज द रीजियन 3 इज ऑलरेडी पेयर्ड विथ द रीजियन 2, क्योंकि ऑलरेडी रीजियन 3 ने पैर किसके साथ बना ली है, रीजियन 2 के साथ. ओके द एटेन्यूएटर नेवर फॉर्म्स, यहाँ पर एटेन्यूएटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा. ओके तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, चलता रहेगा. दिस इज कॉल्ड दैट जब ट्रिप्टोफैन लेवल लो होता है सेल के अंदर, उसकी हमने बात की. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हेनेवर द ट्रिप्टोफैन लेवल इज अ वेरी हाई, उसकी बात करेंगे हम. व्हेनेवर द आरएनए पॉलीमरेज बिगिंस टू ट्रांसक्राइब द आरएनए, ट्रांसक्राइब द डीएनए एंड प्रोड्यूसिंग द रीजियन 1 ऑफ द 5' UTR. ओके 5' UTR उससे बना लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट मिनट. तो आप देख सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया है, वो आगे बढ़ रहा है. अब क्या हो रहा है, फिनोमेना के थ्रू ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल के अंदर हाई है, तो राइबोसोम जो है विच इज़ बाइंड्स टू द 5' एंड ऑफ द 5' UTR. ओके अनट्रांसलेटेड रीजियन ऑफ दैट mRNA से वो बाइंड होगा राइबोसोम. ओके और क्या करेगा, रीजियन 1 का ट्रांसलेशन शुरू कर देगा जब तक रीजियन 2 जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा है. ओके देन आफ्टर 1 आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द 3 रीजियन, 3rd रीजियन जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है. ओके यू कैन सी दैट द राइबोसोम डज नॉट स्टॉल एट द ट्रिप्टोफैन कोडन्स, आप देख सकते हैं कि वो स्टॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो स्टॉप नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास सफिशेंटली ट्रिप्टोफैन सेल के अंदर है, तो उसे मिल जाएंगे ट्रिप्टोफैन. ओके तो क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द 3rd रीजियन एंड द राइबोसोम डज नॉट स्टॉल एट द ट्रिप्टोफैन कोडन्स बिकॉज द ट्रिप्टोफैन इज अबंडेंट. ओके एंड द राइबोसोम कवर्स द पार्ट 2 पार्ट ऑफ द 2nd रीजियन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम पेयरिंग विद द रीजियन 3. ओके तो वो क्या करेगा, 2nd के साथ जुड़ेगा और वो 3rd को पैर बनाने से क्या करेगा, 3rd के साथ पैर बनाने से उसे रोकेगा. ओके तो तुरंत ही वो किस रीजन पर चला जाता है, राइबोसोम 2nd रीजन पर चला जाता है. सो क्या होगा कि 2nd रीजन 3rd के साथ यूपीन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा. ओके तो नाउ अब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि 3rd रीजन के साथ उसने हेयरपिन लूप फॉर्मेशन नहीं किया, तो 3rd तो ट्रांसक्राइब हो गया आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू. ओके यू कैन सी दैट दिस इज़ अ आरएनए पॉलीमरेज, उससे सब कुछ ट्रांसक्राइब कर दिया, तो 3rd और 4 अपने आप के क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री बन गए, और वो अब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ यूपीन फॉर्मेशन में जुड़ जाएंगे. ओके तो यूपीन फॉर्मेशन में जब भी 4th रीजियन पार्टिसिपेट करेगा तो उसके साथ क्या है, पॉली यू टेल रीजियन है, वो पॉली यू टेल वो क्या करता है, विच इज़ सेल्फ टर्मिनेशन पॉइंट है. ओके पॉली यू टेल इज़ वॉट, तो पॉली यू टेल इज़ अ सेल्फ टर्मिनेट पॉइंट्स, क्योंकि जहाँ से वो क्या कर देगा, ट्रांसलेशन को वहाँ से स्टॉप कर देगा, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस हो चुका है. ओके यू कैन सी दैट द राइबोसोम कवर्स अ पार्ट ऑफ द रीजियन 2 प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द पेयरिंग विद द रीजियन 3 एंड द रीजियन 3 रीजियन 4 इज ट्रांसक्राइब एंड पेयर्स विद द रीजियन 3 प्रोड्यूसिंग द एटेन्यूएटर. जैसे ही 3rd और 4 जुड़ जाएंगे विच फॉर्म्स द एटेन्यूएटर एंड द टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन. ओके तो वहाँ से ही टर्मिनेशन शुरू हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का. ओके तो दिस आर द होल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट
एटेन्यूएशन के अंदर हेयरपिन लूप फॉर्मेशन का क्या रोल होता है और कैसे वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करती है वो हमने देखा।